हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं बता देता हूँ, हमारे चैनल पर डेली आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड छोटी छोटी बड़ी से बड़ी पोस्ट का नोटिफिकेशन डेली प्रोवाइड किया जाता है। अगर मेरा भाई और बहन कोई भी हरियाणा से बिलोंग करता है, अगर उसको हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट टाइम टू टाइम चाहिए, तो आप हमारे गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मेरे भाई और बहन हरियाणा में डेली किसी ना किसी जिले के अंदर, किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी ना किसी डिपार्टमेंट में डेली डीसी रेट जॉब्स निकल कर आती है। आप सभी को पता है, अगर आपको भी डीसी रेट जॉब पर लगना है, डीसी रेट जॉब में किस टाइप से लगा जाता है, क्या क्या प्रोसेस होता है डीसी रेट जॉब्स के लिए, इस टाइप की अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए, तो आप हमारे गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मेरे भाई और बहन हरियाणा का एकमात्र ऐसा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जहां पर डीसी रेट जॉब्स रिगार्डिंग पूरे हरियाणा में कहीं पर भी अगर एक पोस्ट भी आती है, वो भी आपको यहां पर इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। हरियाणा का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जहां पर डीसी रेट जॉब्स के सभी अपडेट आपको रेगुलर यहां पर देखने को मिलते रहेंगे। ओके गाइस, तो अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक प्रोवाइड कर रखा है, वहां पर भी आप ऐड हो सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको 24 घंटे न्यू अपडेट देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज, आपको फॉर्म भरते टाइम किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, कोई लिंक नहीं मिल रहा, कोई साइट में प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें बेझिझक होकर टेलीग्राम पर मैसेज करें। कोई भी मेरा भाई और बहन, किसी भी प्रकार की किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, कुछ भी समझ में नहीं आए, तो आप हमें बेझिझक होकर टेलीग्राम पर मैसेज करें। हमारी जो टीम है 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई करेगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन आपको बेझिझक होकर बताया जाएगा। तो मेरे भाई और बहन, सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगी, क्योंकि आपके दिमाग में फितूर होता है कि हरियाणा में डीसी रेट जॉब आपको पैसे में मिलती है। मेरे भाई और बहन, या अगर वहां पर कोई डीसी रेट जॉब पहले से लगा रहता है, वो आपको डीसी रेट जॉब पर लगवा सकता है। मेरे भाई और बहन, ऐसा कुछ भी नहीं है, डीसी रेट जॉब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि पैसे में डीसी रेट जॉब मिलती है। अपने दिमाग से फितूर निकाल देना कि डीसी रेट जॉब आपको पैसे मिलेगी, या वहां पर कोई कैंडिडेट वहां पर पहले से लगा रहता है, वो आपको डीसी रेट जॉब पर लगवा सकता है। मेरे भाई और बहन, ओनली मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है, ओनली इंटरव्यू बेस पर सिलेक्शन होता है, उनका कुछ भी नहीं होता, ओनली उनका आपका जो पैसा भी देते हो वो खाम खा कुछ भी नहीं होता उस पैसे का, बिल्कुल सारे पैसे इन्वेस्ट होते हैं आप सभी का, मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि सारी चीज़ें आपके खुद के दम पर होती है। मेरे भाई और बहन, करवाने वाला कुछ भी नहीं होता, जो भी चीज़ होती है बिल्कुल साफ सुथरी बताता हूँ, क्योंकि मेरे भाई और बहन सारी चीज़ें मेरे भाई और बहन को बिल्कुल साफ क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जो भी अपडेट आएंगे आपको यहाँ पर न्यू अपडेट देखने को मिलते रहेंगे, क्योंकि आज के दिन हज़ारों की संख्या में हमारे चैनल से बच्चे डीसी रेट जॉब पर सिलेक्टेड है, क्योंकि वो थोड़े से अपडेट रहते हैं। मेरे भाई और बहन, अगर आप भी कुछ टाइम तक अपडेट रहते हो, एक महीने के अंदर अंदर आपको डीसी रेट जॉब जरूर से जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि जो भी अपडेट आता है आप उस चीज को चेक करें, चेक करने के बाद उसकी क्वालिफिकेशन देखिए कहां पर भर्ती आई है, अगर वहां पर आप जॉब करना चाहते हैं तो उसी टाइम उस फॉर्म को अप्लाई कर दिया करो। और उसके साथ साथ ऐसे ही जैसे हरियाणा में डीसी रेट जॉब की मेरिट बेस पर और इंटरव्यू बेस पर सिलेक्शन होते हैं, इसी टाइप से दिल्ली के अंदर भी मेरे भाई और बहन ओनली इंटरव्यू बेस पर सिलेक्शन, मेरिट बेस पर सिलेक्शन, हर डिपार्टमेंट में भर्ती आती रहती है। अगर आप दिल्ली के अंदर भी जॉब करना चाहते हैं अपनी इच्छा अनुसार, तो वहां के भी अपडेट आपको रेगुलर देखने को मिलते रहेंगे। और आज की हमारी वीडियो कह रहने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आ गई आप सभी के बीच में, एक बड़ा अपडेट आ गया, 400 प्लस कैंडिडेट अगर मेरे भाई और बहन कोई भी एयरपोर्ट पर जॉब करना चाहता है, इस वीडियो को डिटेल वाइज देखना, क्योंकि बहुत अच्छी नौकरी आप सभी के बीच में ऑफिशियल वर्क है। अगर कोई बहन भी लगना चाहती है तो बिल्कुल आसानी से लग सकती है, किस प्रकार से क्या एज होनी चाहिए, टोटल पोस्ट कितनी है, लास्ट डेट क्या है, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल वाइज बताऊंगा। पूरी वीडियो देखने के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कुछ भी सस्पेंस हो, तो आप हमें मैसेज करके पूछना। ओके गाइस, तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूं, पूरा डिटेल वाइज बताऊंगा। वीडियो पर बने रहे, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओके गाइस, तो मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूं, पूरा डिटेल वाइज बता देता हूं, वीडियो पर बने रहे। ओके मेरे सभी भाई और बहन को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी दो इंडिया की 2022 का जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनके लिए बहुत ही अच्छी पोस्ट आ गई है। 400 प्लस जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्टों पर ये भर्ती होने वाली है, जिसकी लास्ट डेट क्या होगी, अप्लाई डेट क्या होगी, पूरा आपको इस पर डिटेल वाइज मैं बताऊंगा। जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर ये भर्ती आई है। अगर मेरा भाई और बहन कोई भी दिल्ली के अंदर जॉब करना चाहता है, दिल्ली के अंदर एयरपोर्ट पर, अगर इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है उस पर अगर जॉब करना चाहता है, तो बिल्कुल आसानी से वहां पर आपको जॉब मिल सकती है। जूनियर एग्जीक्यूटिव की नौकरी देखने को मिलेगी, जिसमें 400 प्लस पोस्टों पर भर्ती होगी। एडवर्टाइजमेंट नंबर भी इन्होंने डाल रखा है 2022 इन्होंने डाल रखा है। लास्ट डेट आपकी 14 है, ये जुलाई है मेरे भाई और बहन, लास्ट डेट इसकी 14 जुलाई तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर मेरे भाई और बहन कोई भी अप्लाई नहीं किया अभी तक भी, तो उनके लिए लास्ट मौका है मेरे भाई और बहन, बहुत ही अच्छी नौकरी। अगर इस फॉर्म को आप अप्लाई करते हो तो बिल्कुल आसानी से आपको जॉब देखने को मिलेगी। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना पड़ेगा सभी को, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहां से भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी। जॉब लोकेशन आपकी ऑल इंडिया के अंदर बता रखा है कि आपकी जॉब लोकेशन ऑल इंडिया में रहेगी, और टेलीग्राम ग्रुप का भी
लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से भी आपको न्यू अपडेट्स रेगुलर देखने को मिलते रहेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स की मैं बात करूं, जिसकी स्टार्टिंग डेट 15 जून से ये फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, लास्ट डेट इसकी 14 जुलाई है। मेरे भाई और बहन, इसी टाइप से आपको न्यू अपडेट्स रेगुलर देखने को मिलते रहेंगे। अभी तक भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि आपको पूरे हरियाणा के अंदर और दिल्ली के अंदर मेरिट बेस पर और इंटरव्यू बेस पर जो भर्ती आती है पूरी आपको रेगुलर देखने को मिलती रहेंगी। हरियाणा के अंदर डीसीनेट जॉब्स के लिए कोई भी मेरा भाई और बहन काफी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि आपको आपके जिले, आपके शहर, आपके गांव के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है उनके अंदर डीसीनेट जॉब आती है उसकी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। कौन से विभाग में क्या भर्ती चल रही है, टोटल पोस्टें कितनी है और डीसीनेट जॉब कहां कहां पर आ रखी है, इस टाइप की अगर आपको पूरी जानकारी होती है, अगर आप थोड़े से अपडेट रहते हैं तो मेरे भाई और बहन आपको आराम से डीसीनेट जॉब मिलेगी। ओके गाइज, इसके आगे मैं आपको वैकेंसी की फी भी बता दूं, क्योंकि एयरपोर्ट की भर्ती के लिए इसमें फीस भी लगा रखी कि आपकी फीस कितनी होनी चाहिए। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के लिए 1000 रुपए फीस लगेगी। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फीमेल, मेरी बहन कोई भी इस फॉर्म को अप्लाई करेगी, 81 रुपए उसकी फीस लगेगी। सारी प्रोसेस आपका ऑनलाइन रहने वाला है। अगर मेरी बहन कोई भी चैनल पर पहली बार आई है, पहली बार इस वीडियो को देख रही है, तो मैं एक चीज बता देता हूँ, सभी बहनों के लिए बहुत ही अच्छी नौकरी है, क्योंकि एयरपोर्ट पे जूनियर एग्जीक्यूटिव की नौकरी आई है, ये ऑफिशियल वर्क है। मेरी बहन, जो भी मेरी बहन इस वीडियो को देख रही है, तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ में नहीं आए, तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकती हैं। ओके, एज की मैं बात करूं, आपकी एज इसमें क्या होनी चाहिए, 18 से लेकर 27 साल तक के जो भी मेरे भाई और बहन है सभी इसके लिए एलिजिबल है, सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज में किसी को भाई और बहन को छूट चाहिए तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर बता रखा है कि 3 साल तक तो आपको ओबीसी कैटेगरी के लिए छूट मिल जाएगी, और 5 साल की जो आपको 5 साल एससी एसटी में 5 साल की छूट मिलेगी। जो भी अदर कैटेगरी होंगी उसके रूल्स को आपको चेक करना पड़ेगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन को, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, 400 इसमें टोटल पोस्ट है तो आ गई, आपकी क्वालिफिकेशन भी क्या होनी चाहिए जूनियर एग्जीक्यूटिव की नौकरी के लिए। अगर कोई भी मेरी बहन बीएससी पास है फिजिक्स और मैथ्स से, अगर किसी ने भी बीटेक कर रखा है, सारी इसमें क्वालिफिकेशन के हिसाब से इलिजिबल है, क्योंकि आजकल मेरे को पता है सभी बहनें बीएससी आराम से क्वालिफाई होती हैं, क्योंकि जिस भी मेरी बहन ने बीएससी क्वालिफाई कर रखी है, मैथ अगर फिजिक्स उसके पास सब्जेक्ट था, नॉन मेडिकल कोई भी सब्जेक्ट है आपके पास में, तो बिल्कुल आसानी से इस फॉर्म का आप अप्लाई कर सकती हो। टोटल पोस्ट इसमें 4 आई है, बिल्कुल आसानी से सारा प्रोसेस आपका ऑनलाइन रहने वाला है, और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ में नहीं आए, तो आपके छोटे भाई के पास आप मैसेज करके भी पूछ सकती हैं। ओके, तो मेरे भाई और बहन जो भी हैं क्वालिफिकेशन के हिसाब से, जिसने भी ग्रेजुएट कर रखी है, बीएससी कर रखी है मैथ और फिजिक्स से, प्लस में आपने बीटेक भी किसी ने भी कर रखी है, तो सारे इसके लिए एलिजिबल हैं, सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जिसके अंदर ओबीसी की कितनी पोस्ट हैं, जनरल की कितनी, आपको पूरा कैटेगरी वाइज में एक बार बता देता हूं। जनरल के लिए 163 पोस्टों पर यह भर्ती होगी, ओबीसी के लिए 108 पोस्टों पर भर्ती होगी, ईडब्ल्यूएस के लिए 40 पोस्टों पर भर्ती होगी, एससी के लिए 59 पोस्टों पर भर्ती होगी, एसटी के लिए 30 पोस्टों पर यह भर्ती होने वाली है। इस टाइप से आपकी वैकेंसियों का चार्ट है वो रिलीज हो चुका है। इसके आगे हम बात करें कि आपका जो पेपर है उसके आगे क्या क्या होगा और सिलेक्शन प्रोसेस आपका किस टाइप से होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको पहले बात तो रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा, मेरी बहनों को और मेरे भाइयों को जो भी इस फॉर्म को अप्लाई करेगा उसके अंदर रिटर्न एग्जाम होगा। दूसरा, आपका इसमें नॉर्मल सा टेस्ट लिया जाएगा, क्योंकि आपका बैकग्राउंड किस टाइप से था वो चेक किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जाम होगा। ये सारी चीजें होने के बाद आपको इसमें फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। क्योंकि मेरी बहन और कोई भी मेरा भाई इस वीडियो को देख रहा है तो इस फॉर्म को आप जरूर से जरूर अप्लाई करना। अगर मेरी बहन कोई भी अप्लाई करते तो 81 रुपए फीस है, इस फॉर्म को आप जरूर से जरूर अप्लाई करना, क्योंकि बहुत अच्छी नौकरी आप सभी के लिए दिल्ली के अंदर एयरपोर्ट पर, आपको ऑफिशियल वर्क इस टाइप का जरूर जरूर इस वीडियो में आपको रेगुलर न्यू अपडेट्स यहां पर रेगुलर देखने को मिलते रहेंगे। और कोई भी अगर इस फॉर्म को अप्लाई करता है और उसके सब्जेक्ट क्या क्या होने चाहिए और पेपर में किस टाइप का क्या पैटर्न आएगा वो भी हम इस वीडियो में आपको डिटेल वाइज से बता देते हैं। क्वेश्चन कितने आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 ही मार्क्स होंगे उसके, जिसके अंदर रीजनिंग के 15 क्वेश्चन होंगे, 15 ही नंबर होंगे, जिसके अंदर आपके जीके हो गए और जनरल एप्टीट्यूड की मैं बात करूं, न्यूमेरिकल एबिलिटी की, जिसके 15 क्वेश्चन होंगे, 15 ही नंबर होंगे, जीके के 10-10 क्वेश्चन होंगे, 10 ही नंबर के होंगे, फिजिक्स और मैथ आपका 60-60 नंबर का आएगा, 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 ही आपके मार्क्स होंगे, 30-30 नंबर का फिजिक्स और मैथ आएगा इसमें, जिसके अंदर टोटल 120 नंबर होंगे, 120 नंबर आपके क्वेश्चन होंगे, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर मेरा भाई और बहन कोई भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, बिल्कुल आसानी से क्वालिफाई कर सकता है। इस टाइप
भी अगर आपको पूरी नॉलेज चाहिए, दिल्ली के अंदर भी ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें डायरेक्ट जॉब्स आती हैं, मेरिट बेस पर सिलेक्शन होते हैं, इंटरव्यू बेस पर सिलेक्शन होते हैं, पूरी दिल्ली के अंदर जल विभाग, बिजली विभाग, डीटीसी विभाग। अगर मेरा भाई और बहन कोई भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी काफी ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट है उसमें आपको सीधी जॉब देखने को मिलेगी। हरियाणा के अंदर रोडवेज विभाग का भी ऐसे ऐसे अपडेट आ रहे हैं, क्योंकि आज 9 तारीख हो गई, 9 तारीख को कोर्ट का क्या फैसला आया है रोडवेज विभाग का, वो अगली वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। दोस्तों आपको आपके छोटे भाई की वीडियो आपको अच्छी लगती है, बढ़िया इंपॉर्टेंट नोटिस लगते हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में आप जरूर जरूर बताना किस टाइप की आपको किस टाइप का क्या मटेरियल चाहिए और कहां से बिलोंग करते हैं। अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं पूरे हरियाणा के अंदर, अगर आप मैसेज करके ही पूछ सकते हैं मेरे भाई और बहन, सर मैं इस जिले से बिलोंग करता हूं, हमारे जिले के अंदर किस टाइप की भर्ती आ रखी है, वो आपको आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। किसी भी टाइप का कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेंशन लेने के लिए अब आपका छोटा भाई ग्राउंड में आ चुका है। आपके लिए इसी टाइप से न्यू अपडेट्स पूरे हरियाणा के अंदर डीसी रेट जॉब्स के न्यू अपडेट्स आपको रेगुलर देखने को मिलेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।